मागोमेद एनक्लाइव ने जॉनी वॉकर को ब्रूटली नॉकआउट करने के बाद ग्लोवर टेशेरा ने उसे कांग्रेचुलेशन कहा है और कहा है कि तुम्हें जल्दी मिलेंगे हम। तो मागोमेद एनक्लाइव ने कहा है कि तुम्हें ज्यादा वेट करने का जरूरत नहीं होगा, मैं रेडी हूँ तुम्हारा जो भी प्लेयर है उसके लिए। तो ये कहना था आपका मागोमेद एनक्लाइव का। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने जब पूछा है मागोमेद एनक्लाइव से कि ग्लोवर टेशेरा ने आपको मैसेज दिया है कि सी यू सून कह के, तो उसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे, तो मागोमेद एनक्लाइव ने उसे जवाब दिया, ये मैसेज है ग्लोवर टेशेरा के लिए, ग्लोवर टेशेरा आपको अपना स्टूडेंट के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, उसको रेसलिंग ग्रैपलिंग सिखाने का कोई जरूरत नहीं है, उसको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं उसके साथ जाऊंगा और स्टैंडिंग फाइट ही करूंगा, तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। वो लास्ट टाइम जब फाइट किया था मिडिल वेट से, वहां पे वो मिडिल वेट से नॉकआउट हो गया था, और आप सोचो मैं तो लाइट हैवी वेट में हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और मैं कंफर्टेबल हूं यहां पे स्टैंडिंग फाइट करने में उसके साथ। तो ये मैसेज है ग्लोवर टेशेरा के लिए मागोमेद एनक्लाइव की तरफ से। तो आपको क्या लगता है, क्या स्टैंडिंग फाइट में एलेक्स परेरा को हरा पाएगा मागोमेद एनक्लाइव, तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि एलेक्स परेरा मागोमेद एनक्लाइव को स्टैंडिंग फाइट में ब्रूटली नॉकआउट करके हरा देगा, तो आपको इस बारे में सुनकर कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, ठीक है, अपना ओपिनियन दीजिएगा कि कौन किसको स्टैंडिंग फाइट में हरा सकेगा। लेकिन एलेक्स परेरा का तो कुछ अलग ही प्लानिंग है, एलेक्स परेरा फाइट करना चाहता है जमाल हिल के साथ नेक्स्ट, तो डेना वाइट ने भी ये कहा था कि जमाल हिल जब भी फिट हो जाएगा तो फाइट कराएगा इन दोनों का। तो एलेक्स परेरा ने अपना इंस्टाग्राम में स्टेटस पे शेयर किया हुआ एक वीडियो, जब आपका जमाल हिल हराया था ग्लोवर टेशेरा को, तो इन दोनों का कन्फ्रंटेशन हुआ था, ठीक है, फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हुआ था, तो उसी का एक वीडियो शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो देखिए। और क्या आपको लगता है इन दोनों का फाइट होगा नियर फ्यूचर, मुझे तो लगता है होगा, अगर होगा तो कौन जीतेगा आपका हिसाब से वो जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। ये वीडियो में आप देख सकते हो इन लोग का साइज डिफरेंस, एलेक्स परेरा फाइट करता था आपका मिडिल वेट में और जमाल हिल था आपका लाइट हैवीवेट डिवीजन में, तो फिर भी आपका साइज डिफरेंस देख सकते हो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। उसके थोड़ी देर बाद ही एलेक्स परेरा ने वापस अपना एक पोस्ट शेयर किया हुआ है और उसने कहा है कि गाइस मुझे अभी फोकस करने दो जमाल हिल पे, तो नेक्स्ट फाइट होगा उसका जमाल हिल के साथ, ये आप फिक्स मान लो, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा है मुझे रिकॉर्ड ब्रेक करना है यूएफसी में, दो टाइटल डिफेंस बहुत शॉर्टेस्ट टाइम पे, मतलब एकदम कम समय पे दो टाइटल डिफेंस करना है मुझे, ये कहना था उसका एलेक्स परेरा का। तो इसका मतलब एलेक्स परेरा नेक्स्ट फाइट करने वाला है गारंटी के साथ आपका जमाल हिल के साथ, उसके बाद वो अगर उससे जीत गया तो उससे फाइट करेगा आपका मागोमेद एनक्लाइव के साथ। तो आपको लगता है क्या जमाल हिल को वो नेक्स्ट हरा पाएगा, अगर हरा भी दिया तो आपको लगता है कि मागोमेद एनक्लाइव को वो हरा पाएगा, आप भी अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कमेंट सेक्शन में। तो इतना ही था आज के लिए, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।